उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक सीओ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने टैक्सी संचालकों और टुकटुक चालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उपस्थित स्थानीय लोगों ने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने विचार रखे। यातायात मीटिंग में सभी ऑटो चालकों ने उनके रूट निर्धारित करने की बात कही, साथ ही टुकटुक चालकों के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की बात कही गई। इस मीटिंग में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा वाहनों को सीज करने और चालान करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चौक देखा है, सबसे कंजेस्टेड एरिया है पूरे जिले का, यह आपका ये तिराहा जो पॉइंट के साथ ताकि उसका जो है प्रॉपर एक रास्ता निकल जाए कि भाई कहाँ से कैसे होना है, क्या यूनियन है, ई रिक्शा वाले की नाम है, घूम के यूनियन नहीं है, ठीक है, यूनियन मतलब कोई भी हम तीन चार लोगों में से हम बता दें, ठीक है। एक ई रिक्शा वाले का चालान मैंने खुद ने किया था, अब मैं किसी का 15-20 हजार का चालान कर दूं तो सीओ साहब ने क्या किया, नानक मुत्ता क्रॉस कर दिया अभी नानक मुत्ता में। ये शहर में जाम जो लगता है, पूरा शहर जाम से प्रभावित रहता है, उसको दूर करने के लिए आज एक मीटिंग ली गई थी जिसमें टुकटुक यानी ई रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, सिटी बस वाले और बाकी के जो लोडर गाड़ियां होती उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था और इन सबकी समस्याओं को सुना गया और हमने अपनी बात रखी ताकि इस शहर को, खटीमा शहर को जाम से मुक्त किया जा सके। चिप चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।